झारखंड में उपचुनाव होना और उसमें विधायकों की जीत होनी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस बार के उपचुनाव के बाद एक ऐसे विधायक ने जीत हासिल की है जिससे मिलने के लिए झामुमो, कांग्रेस, राजद के नेता कतार लगाए इंतजार कर रहे हैं। ये लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं बस चंद मिनटों के मुलाकात के लिए। कोई हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए है तो कोई सम्मान के लिए पुस्तक लेकर आया है। इन्हें देखकर इनके बेकरारी का अंदाज लगाया जा सकता है। गांडे विधानसभा के उपचुनाव के बाद कुछ ऐसा ही कल्पना सोरेन के साथ देखने को मिल रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। गांडे उपचुनाव जीतने के बाद जब कल्पना सोरेन ने 10 जून को विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में शपथ ली तो वहां पर उनके साथ उनके परिवार के लोग मौजूद थे। झामुमो और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन शपथ ग्रहण होने के तुरंत बाद से ही हमें मंजर कुछ और ही देखने को मिला। वहां पर कई नौकरशाह भी मौके पर मौजूद रहे जो कि घंटों इंतजार कर रहे थे कल्पना सोरेन से मिलने का। इनके साथ ही साथ कल उनके आवास पर गांडे की जनता के साथ उन्होंने एक शिष्टाचार मुलाकात की और उनका धन्यवाद दिया। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि एक विधायक को यहां इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है। कल्पना सोरेन को लोग अब से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उन्हें एक नई पहचान मिली है। अब वो झारखंड विधानसभा के सदस्य हैं। कल उनके विधायक बनने के बाद अब उनसे मिलने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है। 31 जनवरी को ईडी के अधिकारियों के द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से झामुमो पार्टी का नेतृत्व कल्पना सोरेन कर रही थी। ऐसे में सरकार बदलने के बाद कल्पना सोरेन हर गठबंधन की बैठक हो या कोई मिलन समारोह हर जगह उन्हें देखा जा रहा था। ऐसे में साफ देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं गठबंधन के लोगों ने अब ऐसा मान लिया है कि हेमंत सोरेन की राजनीति में वापसी नहीं होगी। पार्टी का नेतृत्व अब कल्पना सोरेन के हाथ में ही है। कल कल्पना सोरेन के आवास पर कांग्रेस के कई बड़े चेहरे उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। हालांकि कल्पना सोरेन ने लोकसभा चुनाव में हर जनसभा को उन्होंने हेमंत सोरेन को गलत तरीके से जेल में डाला गया है ये बताने की कोशिश की। हालांकि द न्यूज पोस्ट के साथ इसके वीडियो फुटेज नहीं है, लेकिन ये हमारी आंखों देखा हाल है। ऐसे में अब देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय में कल्पना सोरेन का पार्टी में पद कितना ऊंचा होता है। द न्यूज पोस्ट के साथ मैं प्रेरणा चौरसिया।